राम राम जी, क्या हाल? सारा का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई, आज आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। तो अपडेट जो हरियाणा में ग्रुप डी के जो कच्चे कर्मचारी उनके लिए रहने वाले साथियों, तो अपडेट क्या कुछ अपडेट जानने के लिए भाई वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने साथी से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो है उन्हें भी जो सरकारी नौकरी भर्ती से जुड़े अपडेट लगातार मिलते रहे। तो चलिए साथियों, शुरू लेते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों, एक बड़ा लेटर जो आपको दिखा देता हूं जो कि हरियाणा में ग्रुप डी के जो कच्चे कर्मचारियों को लेकर के लिखा गया है, और ये लेटर जो श्रम आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा लिखा गया है। और किस किस को लिखा गया? लिखा गया है भाई अधिष्ठता अधिकारी श्रम न्यायालय हिसार, उप श्रम आयुक्त सर्कल 1 व 2 गुड़गांव पंचकूला पानीपत, उप निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य गुड़गांव और सहायक श्रम आयुक्त अम्बाड़ा व करनाल। ये लेटर जो है 26/4/2024 को भी लेटर लिखा गया था और कर्मचारियों का जो ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन जो अधिकारियों ने कर्मचारियों का ब्यौरा जो श्रम आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ को नहीं दिया, जिसके कारण जो उन्हें दोबारा इसे जो है रिमाइंडर लेटर जो है लिखना पड़ रहा है। और ये लेटर 9/5/2024 को दोबारा से लिखा गया साथियों। तो आप देख सकते हैं, आप विषय इसमें ये डेट देख सकते हैं। सबसे पहले तो 9/5/2024 को दोबारा से लेटर लिखा गया है और ये आप विषय देख सकते हैं, ठेकेदार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत श्रेणी गए से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति या कार्यगण रिपोर्ट करने बारे, ठीक है, या भेजने बारे। तो ये जो है मेन विषय हो गया भाई, जो ठेकेदार या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं कच्चे, तो उनकी जो रिपोर्ट मांगी गई है, कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्यगण की रिपोर्ट मांगी गई है भाई। कब जो उन्होंने ज्वाइन किया, कब क्या कुछ किया, वो मैं आपको प्रोफॉर्मा भी दिखाऊंगा किस प्रोफॉर्मा मांगी है। तो आप देख सकते हैं, उपरोक्त विषय पर मुख्यालय पत्र क्रमांक दे रखा है और दिनांक 26/4/2024 की निरंतरता में विषय संबंध में उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपसे ठेकेदार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत श्रेणी घ यानी ग्रुप डी से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति या कार्यगण रिपोर्ट मांगी गई थी, परंतु अभी तक आपसे उक्त बारे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो इसीलिए आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने व अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ठेकेदार या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत श्रेणी यानी ग्रुप डी से संबंधित जो है कर्मचारियों की नियुक्ति या कार्यग्रहण जो बारे संकलित रिपोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर निम्न प्रकार से भिजवाना सुनिश्चित करें। तो ये आप देख सकते हैं, नेम एंड फादर नेम, ठीक है, और उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर हो गया, फिर ये जो मैंने बताया था नेम एंड फादर नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद जो है डिसिग्नेशन, और उसके बाद जो है डेट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दिस डिपार्टमेंट, उसके बाद नेम ऑफ द ऑफिस, उसके बाद जो है एनी प्रूफ ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दिस डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो मोबाइल नंबर। ये सारा डाटा जो है कर्मचारियों का, जो ग्रुप डी कर्मचारियों का डाटा जो है श्रम आयुक्त चंडीगढ़ ने जो है मांगा है और अधिकारियों को जो सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है दो दिन के अंदर अंदर जो है डाटा जो है भिजवाना सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्ती से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।